MNS 2024 Indian Army Corps MNS Hunter Badge by Military Brat Officials Defense Academy on YouTube. Join us on a journey to excellence. Are you ready to embark on a path to honor, service, and a promising career in healthcare within the Indian Army? Then look no further, as Military Brat Officials Defense Academy proudly presents hint to all the defense aspirants who are watching this video. In this particular video, we will be covering the info about the salute issue of military nursing service officers. So basically, it is a very widely asked question and a highly debated topic that are MNS officers entitled to salute like regular army officers. So first, let me clear the air by saying that service matters and respect matters. Salute is something very secondary. Starting off with what does a salute tells, what does a salute depicts. So salute ek tarika hai aapki respect zahir karne ka. Aur har insaan zaruri nahi hai ki salute dekar hi apni respect zahir kare. Ek jawan bhi jab ek officer ko salute marta hai, to ek officer bhi in a respect regard se salute karta hai. So salute doesn't show ki aap bahut high post pe hain ya aap bahut zyada respected authority hai. Salute is just a way of thanking and paying respect and tribute to you. And trust me, MNS officers are very well celebrated and respected officers in Indian Army. MNS ek different corps hai. Aur aaj se hi nahin, 1888 se MNS as a different corps hi Indian Army mein serve karti aa rahi hai. ये बहुत पुरानी कोर है और भले ही AMC के साथ यानी कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के साथ सर्व करती हो पर इसका जो टास्क है जो इसकी फोर्स है वो एक डिफरेंट कॉर्प है इसीलिए इसे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज कॉर्प्स भी कहा जाता है इट वाज अ वेरी डिबेटेड टॉपिक अबाउट द यूनिफॉर्म ऑफ एमएनएस जो कि बीच कलर की है नॉर्मल आर्मी की तरह ऑलिव ग्रीन कलर की नहीं है ऑन विच जनरल गुमान वॉज द हेड ऑफ द कमिटी टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है आप पढ़ भी सकते हैं तो इस कमेटी में 2017 को इस कमेटी का गठन हुआ था और 2018 में इसकी रिपोर्ट आई थी जहाँ MNS को एक एक्स सर्विसमैन का दर्जा भी मिला परमानेंट कमीशन का भी सुविधा उन्हें दिया गया CSD जो फैसिलिटीज़ होती हैं आफ्टर रिटायरमेंट जो पर्क्स होते हैं जो अलाउंसेस होते हैं सारे पेंशन वाले वो सारे MNS को एंटाइटल करवाए गए रेगुलर आर्मी ऑफिसर जैसी रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है इट्स जस्ट दैट उनकी यूनिफॉर्म डिफरेंट है आपको ये समझना होगा कि ऐसा क्यों है क्योंकि उनका टास्क बहुत डिफरेंट है वो जहाँ काम करती हैं वो जगह बहुत डिफरेंट है इसलिए उनकी यूनिफॉर्म भी डिफरेंट बनाई गई है ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि आप कौन से कॉर्प से आ रहे हो दिस वॉज द ओनली रीज़न और रही बात सल्यूट की तो लेट मी टेल यू ये जो सल्यूट का सिस्टम है जिसे कि रिजेक्ट कर दिया गया था ये प्ली कि MNS ऑफिसर को जो दूसरे कोर के जूनियर ऑफिसर्स हैं वो सल्यूट करें देयर वाज अ रीज़न टू इट MNS को उनकी ही कोर के जूनियर ऑफिसर सल्यूट करते हैं बाकी कोर के JCO और ORs भी उन्हें सल्यूट करते हैं ये प्ली उनकी मान ली गई थी बट दूसरे कोर के जूनियर ऑफिसर्स उन्हें सल्यूट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये शुरू से एंटाइटल्ड ही नहीं था अचानक से एक नया रिफॉर्म लाने के लिए एक वैसा बैकग्राउंड बिल्ड करना पड़ता है और MNS एक ऐसी कोर है जहां अभी बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है नई चीज़ें ऐड ऑन करने का अभी आप देखिए पहले परमानेंट कमीशन नहीं थी अब आ गई पहले एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं था अब आ गया सल्यूट पे भी डिबेट चल रही है वो भी कभी ना कभी लागू ज़रूर होगा जैसे जैसे हेल्थ केयर सेक्टर की जो इज्जत है जो रिस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंस है हमारी नज़रों में बढ़ रही है आफ्टर कोविड आफ्टर पैंडमिक MNS की जो अवेयरनेस बढ़ी है पिछले कुछ सालों में इट इज़ वेरी एविडेंट कि कुछ सालों में सल्यूट ज़रूर लागू होगा बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस एज में एज आई ऑलवेज से टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि आप कभी भी किसी यूनिफॉर्म को टारगेट मत करो टारगेट टू सर्व द नेशन हमें इस देश को सर्व करना है आप उस रिस्पेक्ट को देखो उस डिग्निटी को देखो जो आपको एज एन MNS मिलेगी के लिए देश को सर्व करना इंपॉर्टेंट होना चाहिए MNS एक बहुत सेलिब्रेटेड प्रोफेशन है बहुत इज्जत मिलती है आई हैव सीन देम MNS में मेजर जनरल तक की रैंक पर आप जा सकते हो लाइक अ रेगुलर आर्मी ऑफिसर प्रेसिडेंट्स अवार्ड्स मिलेंगे गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं क्या कुछ नहीं एवरीथिंग इज लाइक अ रेगुलर आर्मी ऑफिसर और रही बात सल्यूट की तो ये डिबेटेबल टॉपिक है इसमें बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट का और आगे चल के हो सकता है अमेंडमेंट आएंगे क्योंकि अभी भी काफ़ी अमेंडमेंट्स आए हैं MNS में और आगे भी आएंगे
बिकॉज हर चीज में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता ही है। धीरे धीरे हमारी इंडियन आर्मी भी डेवलप कर रही है, जैसे हमारा नेशन डेवलपिंग है, और बहुत जल्द हम एमएनएस में और भी अमेंडमेंट्स और भी डेवलपमेंट जरूर देख पाएंगे। दिस इज फॉर द वीडियो एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द नीट एमएनएस हंटर बैच बाय मिलिट्री ब्रैट ऑफिशियल्स, जहां आपको मिलेंगे बहुत सारे मॉक पेपर्स, इंटरव्यू क्लासेस, का चौहान मैम की ईयर लॉन्ग गाइडेंस, और वो भी मिनिमम 20,000 के प्राइस में। सो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन आर बैचेस, यहाँ बहुत जेन्युइन सिलेक्शंस होते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल्स, लाइव लेक्चर्स, हर